नमस्कार दोस्तों, स्वाद अनोखा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देव दिवाली आ रही है, उस दिन सभी लोग खुशी से दीपक जलाते हैं। चलिए इसी थीम पर एक नई तरह की मिठाई बनाते हैं। इस मिठाई का नाम है दिया और बाती। चलिए तैयारी शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ फ्रेश खोया, पिसी हुई चीनी, बादाम की कतरन, कोको पाउडर, नारियल का चूरा येलो कलर और चॉकलेट कलर। सबसे पहले एक कप खोया को प्लेट में लेकर अच्छे से मैश करेंगे। फिर उसमें डालेंगे 3 चम्मच पिसी हुई चीनी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद थोड़ा सा खोया को अलग प्लेट में रख देंगे। अब इसमें 1 चम्मच कोको पाउडर और 2 चम्मच नारियल का चूरा डालकर मिक्स कर लेंगे। एक ड्रॉप चॉकलेट कलर डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। देखिए डो बनकर तैयार हो गए है। अब इसे दिया बनाते हैं। हाथ में छोटा सा लोई लेंगे और अंगूठे की मदद से इसे बीच में दबाकर इसे दिए का शेप देंगे। देखिए इस तरह। दीपक सारे बन के तैयार हो गए हैं। अब करते हैं घी की तैयारी। जो खोया हमने अलग रखा था, अब उसे लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा येलो कलर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। येलो खोया के छोटे छोटे बॉल बनाकर दीपक में डालेंगे। दीपक में घी भरने के बाद अब इसमें लगाते हैं बाती। हमारी बाती यानी बादाम की कतरन को दीपक पर एक एक करके लगाएंगे। देव दिवाली के लिए दिया और बाती बनकर तैयार हो गए हैं, तो आप भी इस देव दिवाली पर ये दिया और बाती जरूर बनाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।